सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इन आंखों में और से देख, ना तो इनमें मरने का काम है। कैसी होगी दीपिका और ऋतिक की जोड़ी? क्या फिल्म में दिखेगा ऋतिक का नया ट्रांसफॉर्मेशन? क्या ऋतिक देंगे दोनों खान्स को टक्कर? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। फिल्म इंडस्ट्री में हमें कई हीरो हीरोइन की जोड़ी एक साथ देखने को मिली। कुछ जोड़ियां लोगों को बहुत पसंद आई, पर ऐसी बहुत सी जोड़ी हैं जो अभी तक देखने को नहीं मिली। फिर वो उनकी आपसी रंजिश की वजह से हो या डायरेक्टर की नापसंद, ऐसी ही एक बॉलीवुड की जोड़ी जो अभी तक पर्दे पर एक साथ नहीं आई, अब हमें आने वाली फिल्म फाइटर में देखने को मिलेगी। ओम शांति ओम से अपना बॉलीवुड डेब्यू करने वाली दीपिका और बॉलीवुड के ही मैन ऋतिक रोशन दोनों ही अपने एक्शन के लिए जाने जाते हैं। एक तरफ हॉलीवुड तक में अपना नाम कर चुकी दीपिका, तो दूसरी तरफ मोस्ट हैंडसम और एक्शन हीरो कहे जाने वाले ऋतिक रोशन। जब दोनों एक साथ एक फिल्म में दिखेंगे तो फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी, इसमें कोई शक नहीं, और दोनों की जोड़ी को भी पर्दे पर खूब पसंद किया जाएगा। एक्टर्स अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपने लुक्स पर, बॉडी पर और बहुत चीजों पर ध्यान देते नजर आते हैं। फिल्म में हीरो के रोल में बने रहने के लिए एक्टर को और मेहनत करनी पड़ती है, कई चीजों का परहेज और कई चीजों से रोजाना करनी होती है, जैसे एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट। और किसी फिल्म में अगर थोड़ा अलग लुक हुआ तो फिर उस लुक पर काम करने के लिए अपनी बॉडी का अलग ट्रांसफॉर्मेशन करना, ऐसा ही कुछ ऋतिक रोशन ने हाल ही की फिल्म में करा, जब वो सुपर 30 में एक गांव के टीचर बने, जिसमें उनकी बॉडी और लुक पर बिल्कुल ही अलग देखने को मिला। पर उसके बाद उन्होंने वॉर के लिए बिल्कुल अलग ट्रांसफॉर्मेशन किया, जिसकी वीडियो यूट्यूब पर आज भी फिल्म के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ऋतिक ने बहुत मेहनत करी, क्योंकि फिल्म वॉर में उनका लुक एक मस्कुलर एजेंट का था और ऐसा ही लुक उनके फिल्म फाइटर में भी देखने को मिल सकता है, जिसके लिए ऋतिक को एक बार फिर वही लुक में आना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें एक बार फिर वही ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा। फिल्म वॉर में उनका लुक काफी पसंद किया गया था। बॉलीवुड में आए दिन एक्टर के बीच टकराव देखने को मिलता है, कभी रियल लाइफ में तो कभी फिल्मों को लेके, पर इससे नुकसान फिल्म के मेकर्स को उठाना पड़ता है। जब भी कोई फिल्म किसी बड़े एक्टर्स के साथ टकराती है तो फिल्म को झेलना पड़ता है बॉक्स ऑफिस पर नुकसान। फिर फिल्म चाहे कितनी भी अच्छी हो, पर अगर सामने एक और धाकड़ हीरो की फिल्म हो तो कहीं ना कहीं फिल्म की ऑडियंस कम हो जाती है। और जब एक जैसे जॉनर की फिल्में कई हीरो की एक साथ देखने को मिलती है तो लोगों को भी कंफ्यूजन हो जाती है कि आखिर किसकी फिल्म देखनी चाहिए। ऐसा ही कुछ हमने आने वाले सालों में देखने को मिल सकता है। बॉलीवुड में एजेंट फिल्म का चलन बहुत देखने को मिलेगा, जब SRK और सलमान के साथ अब ऋतिक भी एक बार फिर इसी जोनर में अपने हाथ आजमाने जा रहे हैं। फिल्म के मेकर्स ने वैसे अभी तक फिल्म को लेके कोई भी खुलासा नहीं किया है, पर जहां तक खबरों की माने तो फिल्म हमें अगले साल देखने को मिल सकती है, जिससे ऋतिक की फिल्म का टकराव दोनों खान्स की फिल्मों से ना हो और तीनों फिल्मों का मजा ऑडियंस अपने समय के हिसाब से ले पाए। एक साथ तीनों फिल्मों का क्लैश तीनों फिल्म के लिए नुकसान भरा हो सकता है और तीनों स्टार्स का बॉक्स ऑफिस पर निराशा देखनी पड़ सकती है, जैसा वो नहीं चाहेंगे। और तीनों स्टार्स की आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, जिसको देखते हुए ऋतिक रोशन का टकराव बॉक्स ऑफिस पर नहीं देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है, क्या फिल्म तोड़ेगी हॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड्स? कमेंट में हमें बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।